It's Shivangi. Welcome to my channel. So, आज का वीडियो बाकी विडियो से थोड़ा ज्यादा स्पेशल होने क्यों ना मैं वैक्स क्रियॉन्स को यूज करके कुछ ऐसा बनाऊँ जो थोड़ा अनएक्सपेक्टेड हो अगर मैं अपनी पुरानी ड्रॉइंग्स भी देखती हूँ तो मुझे सिर्फ ऑयल पेस्टर्स ही दिखते हैं मुझे कहीं पर भी वैक्स क्रियॉन्स नहीं दिखते मम्मा आपको याद है मैंने कब किया था

बाकी अप्सरा एंड फेबल गा के मुझे मिले 10 10 रुपीस के एंड आई वाज लाइक वाव दिस इज गोना बी रियली क्रेजी चैलेंज नाउ आई एम सुपर एक्साइटेड एंड नर्वस क्योंकि मुझे लगता है कि वैक्स क्रियॉन से पर्सनली कुछ ज्यादा ग्रेट नहीं किया जा सकता लाइक वी हैव वेरी लेस एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम वैक्स क्रियॉन्स सो दैट इज व्हाई दिस वीडियो इज इवन मोर एक्साइटिंग विदाउट वेस्टिंग एनी मोमेंट लेट्स start the video. So today I am using these Fable Castle colors and आज मैं इन्हीं को use करके कुछ बनाने जा रही हूँ But directly drawing start करने से पहले मैं एक warm up exercise करूंगी मैं texture के साथ familiar होंगी and मैं देखूंगी की सच में जो colors का color जितना dark लग रहा है क्या वो reality में वैसे ही है So yes, I I'm gonna quickly test. You see this color? ऐसे देखने में it is looking very dark but when I applied it, you see it's so light. तो so यही चीज को देखने के लिए मैंने ये exercise करी so, थी Moving on, now we can finally

टू शो स्काई आई एम थिंकिंग की मैं सिर्फ ब्लू ना करूं, मैं उसमें मल्टीपल कॉम्बिनेशन करूं। विद दैट नाउ आई एम एडिंग दिस पिंक कलर टू द स्काई बिकॉज

घर बन जाएंग ब्राउन कलर हालाेन्स आर जस्ट ट्वेल्व कलर जिसकी हेल्प से मुझे सब कुछ बनाना है एंड ट्राई माई बेस्ट बट दिस मीडियम इज नॉट दैट इजी एनी वे मूविंग ऑन नाइल क्विकली कम्पलीट दी एंड सी को कम्पलीट करने के लिए यहाँ पे मैं ब्लू कलर का यूज कर रही हूँ कम्पलीट द ग्राउंड एंड यहाँ पे मेरे को ग्रास डिपिक्ट करने इसलिए ग्रीन कलर एंड इस पर्टिक्युलर सेट में दो ग्रीनस है वन इज लाइट सेकेंड वन इज डार्क ग्रीन सो मैं इन्हीं दोनों का यूज करके इस ग्रास को कम्पलीट करूंगी एंड यस वंस दैट इज डन एंड आई एम यूजिंग दिस एट बी पेंसिल बेसिकली आपके पास जो भी डार्केस्ट पेंसिल होगी घर पे या अगर आपके पास नटराज की पेंसिल है उसी की हेल्प से आउटलाइन कर लेना जो भी आपने स्केच किया है जिससे कि ये थोड़ा नीट लगे क्लीन लगे बिकॉज वैक्स आर बिट मेसी सो मैं नहीं चाहती कि मेरी ड्रॉइंग मैसी लगे सो येस नाउ यू नो द रीजन वंस दैट इज डन अम मैं फटाफट बाकी एलिमेंट्स पे भी लाइट एंड शेडो डेप्थ शो करूंगी जिससे कि हमारी पेंटिंग में थोड़ी जान आ जाए यार बहुत ज्यादा बेसिक लग रही है।, so है मैं कोई भी कलर्स एडिशनल कलर्स नहीं यूज कर रही हूँ स्ट्रिक्टू सी द डिफरेंस योर आप देख सकते हो कि जान सच में आ रही है इस पेंटिंग में एंड इट इज लुकिंग अ बिट प्रोफेशनल सो नाउ आई एम एडिंग फ्यू मोर एलिमेंट जिससे कि थोड़ी और अच्छी लगे लुक एट दिस गाइज नाव आम यूजिंग माई पेंसिल टू एड दिस डेप्थ इसकी हद से लग, so, लग रहा है कि कुछ चीजें पीछे कुछ चीजें आगे एक टाइप का इल्यूजन क्रिएट हो रहा है मेरे लिए भी विदिंक में आपको एक चीज बताना भूल गई कभी भी वेन एवर यूर यूज इंग्री और इवन ऑयल पेस्टर्स मेक श्योर की आप सबसे पहले लाइट कलर का यूज करो क्योंकि उसके ऊपर डार्क कलर यूज किया जा सकता है अप्लाई किया जा सकता है एंड थोड़ी झाड़ बनाऊंगी ग्रास जिससे ये थोड़ा और बेटर लगेफुल मतलब सच में मुझे बहुत प्यारा लग रहा है एंड मोस्ट ऑफ द वर्क इज ऑलरेडी डन मैं थोड़ी और डिटेल्स एड करूंगी पेंसिल की हेल्प से बिकॉज ये इतनी माइन्यूट डिटेल्स वैक्स क्रियॉन्स के साथ पॉसिबल नहीं है प्लस जो शीट का मेरा साइज है वो भी काफी छोटा है प्लस आई जस्ट थॉट कि क्यों ना मैं स्काई में येलो कलर भी ऐड कर दू ड्रॉइंग बहुत ज्यादा ब्राइट लगेगी सो याप दिस इज इट लुक्स लाइक एंड इन दी एंड अगर आपके पास व्हाइट पेन है तो आप उससे भी लास्ट में डिटेल्स एड कर सकते हो जस्ट द वे आई एम डूइंग इट राइट ह्योर आई नेवर एक्सपेक्टेड दिस की वैक्स क्रियॉन्स के साथ कुछ ऐसा किया जा सकता है दैट टू इतने चीप वैक्स क्रियॉन्स

चलते हैं अब अपने सेकंड पार्ट पे सो इफ यू गाइज रिमेंबर मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था वीडियो के कि आई हैव समथिंग स्पेशल फॉर यू गाइज जो कि इस वीडियो को बाकी वीडियो से थोड़ा ज्यादा स्पेशल बनाता है दैट इज सो आई रिसेंटली गॉट दिस अवॉर्ड फ्रॉम यूट्यूब एंड जैसा कि आप लोग को पता ही होगा जब कोई भी यूट्यूब चैनल हंड्रेड के सब्सक्राइबर्स क्रॉस करता है तो उस चैनल को यूट्यूब एक अवार्ड देता है विच इज अ सिल्वर प्ले बटन मुझे अभी भी बिलीव नहीं हो रहा है गाइस कि मुझे सिल्वर प्ले बटन मिल चुका है आई हैव सब्सक्राइबर्स थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए इस छोटे से नन्ने से चैनल को अब फटाफट अनबॉक्स करते हैं इस अवार्ड uh, को मैं बहुत ज्यादा इमोशनली होना चाहती इस वीडियो में सो so यस yes. सो so, ये एक कार्डबोर्ड बॉक्स में है ब्लैक कलर के एंड द फर्स्ट थिंग विच यू सी इज दिस कार्ड कार्ड भी नहीं बोलूंगी देर इज दिस राइट अप स्पेशली फॉर द क्रिएटर जिसमें दे आर बेसिकली टॉकिंग अबाउट द अहमियत ऑफ हंड्रेड के सब्सक्राइबर्स ओ सॉरी मैंने पहले खोला हुआ था इसलिए है उसके बाद देर इज दिस फोम कलेयर उसके नीचे होता है दिस सिल्वर प्ले बटन ओ माई गॉड थैंक यू सो मच गाइज दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ़ यू गाइज सो थैंक यू सो मच ये चीज़ें मुझे एक्सपीरियंस कराने के लिए एंड ऑफकोर्स इस बटन को मैं यहीं पर ही कहीं प्लेस करने वाली हूँ अपनी पेंटिंग के साथ रिप्लेस करके आई डोंट नो मैं कितनी बार से इन चीज़ को रिपीट करूँगी बट थैंक यू सो मच यार एंड डेफिनेटली अब तो मैं सोचू की मैं आप लोग को बचपन से जो भी मैंने अवार्ड जीते हैं उनका एक वीडियो बनाऊ एंड पूरी जर्नी एक्सप्लेन करूँ ये मुझे कहाँ मिला कैसे मिला व्हाट वॉज दी हिस्ट्री व्हाट वॉज दी स्टोरी बिहाइंडुलर अवार्ड सो या थैंक यू सो मच फॉर ऑल द and सपोर्ट कीप सपोर्टिंग मी लाइक दिस मुझे आपके प्यार और सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है एंड आप लोग ही हो सबसे बड़ा मोटिवेशन बिहाइंड दिस चैनल बिहाइंड ऑल द आइडियाज क्योंकि अगर आप लोग नहीं सपोर्ट करते तो मैं भी इतना नहीं करती। यस टेक केयर स्टे सेफ बाय एंड है